जा रहा हूँ नौले की तरफ, उससे पहले यहाँ पर पानी का एक कुंड बना हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों आज कॉमेंट नॉलेज आपको दिखा रहा हूँ, इसमें डिजाइनिंग किस प्रकार की बनी हुई है। छोटी पत्थरों से बना हुआ है, जिसमें कि थोड़ा सा पत्थर और मिट्टी का यूज हुआ है, सीमेंट वगैरह का यूज जरा सा भी नहीं हुआ है। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं पत्थरों में यहाँ पर डिजाइनिंग बनाई हुई है। पूरे पत्थर को इस तरीके से तलाशा गया है कि एक फूल के शेप में तलाशा गया है। नीचे को आप देख पा रहे हैं पूरा सलकर के आकार में पत्थर को तराशा गया है। ये शायद अभी आजकल के ज़माने में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, जो चीज़ें शायद पुराने ज़माने में देखने को मिलती थी। ये आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ नॉले का, एक बार दूर से दिखा देता हूँ। रहा आपके सामने प्राचीन नौला है, बहुत ही लगभग 200-300 साल पुराना नौला है। तो अब इसके बाद बात करते हैं, इसमें दो रूम बने हुए हैं इधर के साइड, ये यहाँ जहाँ की पहले नहाने का होता था, इसमें आपको लेकर चलता हूँ। जैसे हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पर सामने कुछ इस तरह का बना हुआ है, तो अंदर जाते ही इधर के साइड को एक रूम दिखेगा, देख पा रहे हैं आप सामने। तो यहाँ पर नहाने का होता था, और उसके बाद जस्ट इसके इधर जैसे हम इधर को मुड़ते हैं तो सामने हमको नौला दिखता है। आप देख पा रहे होंगे नीचे पानी भी दिख रहा है। तो इस तरह की डिजाइनिंग आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। ये सीढ़ी टाइप की बनाई हुई है, जिससे कि पानी निकाल सकते हैं, कोई भी आदमी आसानी से जाके पानी निकाल सकता है। और अगर और बात करूं तो ऊपर की साइड भी आपको एक अच्छी खासी डिजाइनिंग देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ भी पत्थरों को इस तरीके से सजाया गया है कि कलाकृति के रूप में ये पत्थर उभरते हैं। और टोटली दीवारों की बात करूं तो टोटली पत्थर और मिट्टी का यूज, थोड़ा थोड़ा मिट्टी और पत्थरों का यूज हुआ है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी प्राचीन जो भी धरोहर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास उसके बारे में जानकारी हो। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि क्या होता है कि आपके लाइक और कमेंट से हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे कि हम और दूसरी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली बार आऊँगा एक नई वीडियो के साथ।